नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रथम जिला सम्मेलन समारोह हुआ। डूंगरपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने गांधी आश्रम के पास एक भवन में सम्मेलन का आयोजन किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में पधारे स्वर्गीय भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आर सी बालेश्वर की अध्यक्षता में पहले झंडारोहण किया एवं विशिष्ट अतिथि विपिन जोशी द्वारा भगत सिंह के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गंगानगर से पधारे हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्य परिषद सदस्य रोशन राठौड़ के साथ अतिथियों द्वारा भगत सिंह के सपनों का भारत कैसे बने उस पर विचार व्यक्त किया गया। अनिल डामोर एवं गोपाल मीणा द्वारा सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए एवं रोजगार अच्छी शिक्षा के बारे में चर्चा की। मनोहर रोत व रेखा रोत द्वारा सरकार के सभी क्षेत्रों में निजीकरण को लेकर रोष जताया एवं कहा कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ अन्याय कर रही है। शिक्षा को संस्कार का एक बड़ा माध्यम कहा जाता है, उसे ही निजीकरण के हाथों में सौंपकर सरकार छात्र छात्राओं को बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। सरकार की नीतियां इसी प्रकार रही तो छात्रों में बेरोजगारी, नशाखोरी, आत्महत्या जैसे कदम उठेंगे जिससे देश का युवा अपनी राह से भटक रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रथम जिला सम्मेलन में छात्र छात्राओं में कमेटी का गठन किया गया एवं पधारे अतिथियों को भगत सिंह की तस्वीर देकर देशभक्ति की भावनाओं को ओतप्रोत किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के एक दिवसीय जिला सम्मेलन में जिले के विभिन्न छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 15 सदस्य जिला कमेटी का गठन किया। इसमें जिला अध्यक्ष मनोहर रोत, उपाध्यक्ष रेखा रोत, जिला सचिव गोपाल कृष्ण मीठा, जिला संयुक्त सचिव संजय बरंडा, कोषाध्यक्ष बदामीलाल आहारी एवं सदस्य के रूप में अनिल कुमार, माया रोत, बंसीलाल आहारी, हेमलता कटारा, प्रियंका, प्रवीण मणात, तुलसीराम आदि सदस्य चुने गए एवं सम्मेलन का समापन जिलाध्यक्ष मनोहर रोत ने किया। प्राइम न्यूज 24 से संवाददाता मनीष सेवक की खास रिपोर्ट।